सभी सामान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार सामान्य साथियों निपुण भारत मिशन के अंतर्गत संचालित चार दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के प्रथम दिवस के चतुर्थ सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है स्वागत है साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अकादमिक वर्ष दो हज़ार तेईस चौबीस की वार्षिक रणनीति अर्थात पूरे वर्ष की अकादमिक स्ट्रेटजी के बारे में साथियों जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे अकादमिक वर्ष 2022-23 और अकादमिक वर्ष जो वर्तमान है तेईस चौबीस की शिक्षण कार्य योजना में प्रमुख अंतर और प्रमुख समानताएं क्या है अर्थात साथियों आपने देखा है कि पिछले साल जो 22 सप्ताह की कार्य योजना थी और वर्तमान सत्र में अब 25 सप्ताह की जो कार्य योजना है इस कार्य योजना में साथियों क्या प्रमुख अंतर हैं और क्या प्रमुख समानताएं हैं इसके बाद साथियों हम बात करेंगे कि वर्तमान सत्र की जो शिक्षण योजना है जो टीचिंग प्लान संदर्शिकाओं में दी गई हैं उन टीचिंग प्लान की उन शिक्षण योजनाओं की संरचना कैसी है उसमें जो खंड दिए गए हैं उस पर साथियों हम बात करेंगे इसके बाद साथियों इसी सत्र में हम बात करेंगे कि पूरे वर्ष की जो अकेडमिक स्ट्रैटेजी है उससे संबंधित वार्षिक शिक्षण योजना की अर्थात पूरे वर्ष में जो शिक्षण उद्देश्य तय किए गए हैं वो सप्ताहों में बांटे गए हैं उन उद्देश्यों पर भी साथियों बात करेंगे और जो ये 25 सप्ताह का पूरा प्लान है ये पूरी वार्षिक शिक्षण योजना के बारे में साथियों हम बात करेंगे इसके बाद साथियों हम बात करेंगे कि भाषा का साप्ताहिक शिक्षण चक्र क्या है इस पर भी हम समझ बनाने का काम करेंगे कि जो पूरे सप्ताह के जो छः के छः दिन हैं उनमें साथियों किस तरह से कार्य करना है और उनमें जो तीनों कलांश हैं तीनों कलांश में किस प्रकार से कार्य होगा तो इस पर साथियों हम भाषा का साप्ताहिक शिक्षण चक्र समझने का प्रयास करेंगे साथियों मेरे द्वारा कुछ टॉपिक इस वीडियो में साथियों और जोड़े गए हैं ताकि पूरी भाषा शिक्षण की संदर्शिका पर आपकी एक अच्छे से समझ बन पाए जैसे साथियों मेरे द्वारा ऐड कर दिया गया है इसमें कि साप्ताहिक एवं दैनिक योजना की रूपरेखा को भी साथियों इसमें ऐड किया गया है और कालांशों की रूपरेखा कैसी हो इसे भी ऐड किया गया है और साथ ही कौन सी कक्षा में किस शिक्षण सामग्री की सहायता से भाषा शिक्षण का कार्य हम साथियों करेंगे अर्थात भाषा शिक्षण के लिए कौन कौन सी शिक्षण सामग्री की हमें आवश्यकता पड़ेगी इसे भी साथियों इसमें जोड़ा गया और इसके साथ ही साथियों अंत में जो संदर्शिकाएँ और कार्यपुस्तिकाओं की विषय सूची को भी साथियों मैंने तीनों कक्षाओं की एक साथ यहाँ पर जोड़ा है ताकि एक साथ ही जो तीनों संदर्शिकाएं हैं तीनों कार्यपुस्तिकाएं हैं उनकी विषय सूची को एक साथ अगर देखा जाए तो ये हमें जानकारी स्पष्ट रूप से हो सकेगी कि हमें कौन सी सामग्री किस स्थान पर संदर्शिका में मिलेगी अथवा कार्यपुस्तिका में मिलेगी तो साथियों निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है यदि इस वीडियो को पूरी को आप देख लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि भाषा शिक्षण से संबंधित जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो निश्चित रूप से आपको जरूर समझ में आ जाएगी तो साथियों सबसे पहले हम लोग प्रयास करते हैं जो गत वर्ष रहा है उसकी जो 22 सप्ताह की योजना रही है और वर्तमान सत्र की जो 25 सप्ताह की योजना है इनमें मुख्य रूप से क्या अंतर है और क्या समानताएँ हैं साथियों पिछले साल की कार्ययोजना में जो शिक्षण योजनाएं और शिक्षण अधिगम सामग्री बनाई गई थी अर्थात जो पिछले साल संदर्शिकाएं बनाई गई थी कार्यपुस्तिकाएं बनाई गई थी और उन संदर्शिकाओं में जो टीचिंग प्लान जो शिक्षण योजनाएं बनाई गई थी वो सभी बच्चों के अंदर कोविड के कारण जो अधिगम क्षति आ गई थी जो लर्निंग गैप आ गया था साथियों उसको दूर करने के आधार पर बनाई गई थी आपने देखा भी होगा कि कक्षा एक दो तीन तीनों ही कक्षाओं की संदर्शिकाओं में वन अक्षर पहचान से संबंधित जो शिक्षण योजनाएं साथियों दे रखी थी अर्थात आपने देखा होगा कि पिछले साल संदर्शिकाओं में शिक्षण योजनाओं से पाठ्य पुस्तकों के पाठों को मैप नहीं किया गया था जबकि साथियों वर्तमान सत्र की जो कार्य योजना है उसमें लर्निंग गैप के आधार पर शिक्षण योजनाएं तैयार नहीं की गई हैं बल्कि कक्षा स्तर के अनुरूप शिक्षण करने के लिए टीचिंग प्लान संदर्शिकाओं में बनाए गए हैं और कक्षा स्तर के अनुरूप ही साथियों शिक्षण अधिगम सामग्री अर्थात संदर्शिकाएं कार्यपुस्तिकाएं आदि बनाई गई हैं साथियों आपने देखा भी होगा कि इस बार की जो संदर्शिकाएँ हैं वे पाठ्यपुस्तक से सीधी मैप हैं उसमें जो पाठ है पाठ्यपुस्तक के उनको संदेखित किया गया है ठीक है साथियों दूसरा पॉइंट साथियों पिछले साल निपुण सूची की दक्षताओं को सन्नखित नहीं किया गया था बल्कि जो लर्निंग गैप के आधार पर लक्षित दक्षताओं को तय किया गया और उसके पश्चात उन लक्षित दक्षताओं को साथियों शिक्षण उद्देश्यों में विभाजित करके शिक्षण योजनाएं पिछली बार तैयार की गई जबकि साथियों वर्तमान सत्र की जो योजना है उसमें निपुण सूची की दक्षताओं को सन्नखित किया गया है और इन निपुण सूची की दक्षताओं को शिक्षण उद्देश्यों में बांटा गया है और उसके बाद शिक्षण योजनाएँ तैयार की गई हैं इसके बाद साथियों पिछले साल की जो कार्य योजना थी वो 22 सप्ताह की शिक्षण योजनाएं साथियों उसमें थी और प्रत्येक कक्षा के लिए कक्षा एक में कक्षा दो में और कक्षा तीन में सप्ताह एक से 22 तक की शिक्षण योजनाएं साथियों संदर्शिका में दी गई थी जबकि साथियों जो वर्तमान योजना है उसमें 22 सप्ताह के स्थान पर 25 सप्ताह की शिक्षण योजनाएं दे रखी हैं लेकिन साथियों जो कक्षा एक है उसकी संदर्शिका में सप्ताह नौ से पच्चीस तक की शिक्षण योजनाएं हैं और सप्ताह नौ से पहले की जो शिक्षण योजनाएं हैं अर्थात सप्ताह एक से आठ तक की जो शिक्षण योजनाएं हैं वे साथियों विद्या प्रवेश मॉड्यूल अर्थात जो स्कूल रेडिनेस कैलेंडर मिला है साथियों जो विद्या प्रवेश मॉड्यूल जिसे कहा गया है उसमें सप्ताह एक से आठ तक की शिक्षण योजनाएँ हैं और जो संदर्शिका है कक्षा एक की उसमें सप्ताह नौ से पच्चीस तक की शिक्षण योजनाएँ हैं जबकि साथियों जो कक्षा दो और तीन में है उसमें सप्ताह एक से लेकर के पच्चीस तक की शिक्षण योजनाएँ दे रखी हैं साथियों कक्षा एक में हम देखेंगे कि बारह सप्ताह तक स्कूल रेडिनस कैलेंडर गतिमान है तो इस प्रकार से साथियों पिछले साल बाईस सप्ताह की शिक्षण योजनाएँ थी और इस बार पच्चीस सप्ताह की शिक्षण योजनाएँ हैं इसके बाद साथियों पिछले साल की कार्य योजना में शाब्दिक आकलन हम सप्ताह नौ और अट्ठारह में करते थे और स्वयं करते थे और उसी सप्ताह नौ और सप्ताह अट्ठारह में हम शाब्दिक पुनरावृत्ति और रेमेडियल का कार्य होता था जबकि वर्तमान सत्र की जो योजना है इसमें शाब्दिक आकलन साथियों हमें नहीं करना है शाब्दिक आकलन विभाग द्वारा नेट परीक्षा के रूप में होगा और यह संभावित है कि सप्ताह तेरह और इक्कीस में ये होगा हमें साथियों सप्ताह तेरह और इक्कीस जो सप्ताह होगा उसमें हमें शाब्दिक पुनरावृत्ति और रेमेडियल का कार्य करना रहेगा तो ये अंतर है साथियों इसके बाद देखेंगे कि पिछले साल पाठ्यपुस्तक का जो उपयोग हुआ है वो मौखिक भाषा विकास और डिकोडिंग के लिए ही होता था केवल ठीक है आपने देखा है जबकि साथियों इस साल इस वर्ष की जो कार्य योजना है उसमें पाठ्यपुस्तक के पाठों तथा उनकी गतिविधियों पर विस्तृत कार्य करने की योजना है ध्यान नहीं है कि साथियों ऐसी जो गतिविधियाँ हैं वो केवल कक्षा दो और तीन में तो हैं लेकिन जो कक्षा एक है उसमें साथियों डिकोडिंग पर ही काम होना है जबकि कक्षा दो और तीन में जो पाठ्यपुस्तक के पाठ हैं उन पर और उनसे संबंधित जो गतिविधियाँ हैं उन पर विस्तृत काम होने की योजना है तो ये अंतर है साथियों इसके बाद देखेंगे साथियों हम कि पिछले साल की जो कार्य योजना थी उसमें संदर्शिकाओं तथा तो कार्यपुस्तिकाओं को पाठ्यपुस्तक से मैप नहीं किया गया था जबकि जो वर्तमान सत्र है उसमें संदर्शिकाओं तथा तो कार्यपुस्तिकाओं को पाठ्यपुस्तकों से साथियों सीधे मैप किया गया है इसके बाद देखेंगे पिछले साल की योजना में साथियों कार्यपुस्तिकाओं से केवल डिकोडिंग कौशल पर कार्य होता था जबकि यहाँ पर साथियों देखिए कक्षा दो और तीन में कार्यपुस्तिकाओं से पाठ्यपुस्तक की विस्तारित गतिविधियों एवं समझकर पढ़ने की गतिविधियों पर कार्य होगा और केवल कक्षा एक में डिकोडिंग पर कार्य होगा कार्यपुस्तिकाओं से तो ये साथियों अंतर था देखिए पिछले साल जो था कक्षा एक दो तीन तीनों ही कार्य पुस्तिकाओं में क्या केवल डिकोडिंग के कौशल पर काम था जबकि इस बार देखिएगा साथियों कि कक्षा एक में तो कार्यपुस्तिका में डिकोडिंग पर काम है लेकिन कक्षा दो और तीन की कार्यपुस्तिकाओं में डिकोडिंग पर काम नहीं बल्कि पाठ्यपुस्तक की विस्तारित गतिविधियों पर और समझकर पढ़ने की गतिविधियों पर साथियों काम होगा तो ये अंतर इस बार हो गया है इसके बाद देखेंगे साथियों कि तीनों कक्षाओं में तीसरे कलांश में सहज से कार्य होता था आपने देखा होगा जो तीनों ही कक्षाओं में कक्षा एक दो तीन में जब तीसरा कलांश होता था तो वो पठन से संबंधित था और उसमें जो सहज हमें मिली हुई थी बच्चों को हम उस सहज के माध्यम से बच्चों को पठन पर काम करते थे लेकिन इस बार साथियों ऐसा नहीं है इस बार कक्षा एक कक्षा दो और तीन में जो तीसरा कलांश होगा उसमें पठन अभ्यास होना है क्या होना है पठन अभ्यास देखिए ये जो पठन अभ्यास कहाँ से कराना है कक्षा एक में पठन अभ्यास संदर्शिका में दे रखा है लेकिन कक्षा दो और तीन के लिए जो पठन अभ्यास है वो साथियों इनकी कार्यपुस्तिका में दे रखा है इसके साथ ही साथियों पठन अभ्यास तो होना ही है कक्षा दो और तीन में पठन अभ्यास के साथ ही प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास भी कार्यपुस्तिका में दिया है उस पर कार्य किया जाना है तो साथियों ये भी एक अंतर है कि पिछली बार सहज से कार्य होता था और इस बार जो है जो कार्यपुस्तिकाओं में कक्षा दो और तीन में और कक्षा एक में संदर्शिका में पठन अभ्यास दे रखा है और प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास दे रखा है साथियों इस पर कार्य हमें करना है तो ये मुख्य अंतर है साथियों इसके साथ ही देखिए पिछले साल की योजना में दो तरह की शिक्षण योजनाएं दी गई थी दो तरह की आपको ध्यान होगा एक तो साथियों विस्तृत शिक्षण योजना थी तीन पेज की पूरे एक दिन की थी वो और तीन पेज की पूरी विस्तृत शिक्षण योजना थी उसके पश्चात क्या होता था एक डेढ़ पेज की ओर थी उसका नाम दिया था पिछली बार संक्षिप्त शिक्षण योजना और आपको ध्यान होगा जो विस्तृत शिक्षण योजना तब दे रखी थी जब आप किसी नई दक्षता पर काम कर रहे थे तब आपको तीन पेज की विस्तृत शिक्षण योजना दे रखी थी और जब आपको पुरानी ही उसी दक्षता पर काम करना था दोबारा तो आपको डेढ़ पेज की शिक्षण योजना दे रखी थी लेकिन इस बार साथियों ऐसा नहीं है इस बार की जो संदर्शिका देखी है आपने उसमें केवल एक ही तरह की शिक्षण योजना दे रखी है और एक दिन की एक पेज पर तीनों कलांश की शिक्षण योजना दे रखी है तो ये अंतर साथियों हुआ है इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अंतर और है साथियों कि पिछले साल आपने देखा होगा कार्य पुस्तिकाओं में गृह कार्य और व्यवधान प्रबंधन के पत्रक दिए हुए थे गृह कार्य के भी कार्यपत्रक थे और व्यवधान प्रबंधन के भी थे जबकि इस बार की जो कार्यपुस्तिकाएं हैं उनमें साथियों गृह कार्य और व्यवधान प्रबंधन के पत्रक नहीं दिए गए हैं साथियों एक चीज़ का और अंतर आप देखेंगे कि जो कक्षा दो और तीन की कार्य हैं उनके दो भाग बना दिए गए हैं इस बार कक्षा दो और तीन की कार्य पुस्तिकाओं के एक भाग एक है और एक भाग दो है जो भाग एक है वो समझ के साथ पढ़ने पर कार्य करेगा ठीक है जबकि जो भाग दो है वो पठन अभ्यास और प्रभावपूर्ण अभ्यास से संबंधित है साथियों तो ये भी अंतर किया गया है इसके साथ साथियों देखिए पिछले साल रेमेडियल शिक्षण तीनों कक्षाओं में सप्ताह के केवल छठे दिन बीस मिनट के लिए किया जाता था जो कि साथियों आप समझ रहे बहुत ही कम था जबकि इस बार क्या संशोधन किया गया इस बार जो रेमेडियल शिक्षण है जो उपचारात्मक शिक्षण है वो साथियों सप्ताह के प्रत्येक दिन होना है और जो तीसरा कलांश है उस तीसरे कलांश के जो अंतिम बीस मिनट होंगे तो उस बीस मिनट में हमें उपचारात्मक शिक्षण देना अर्थात साथियों प्रत्येक दिन जो तीसरा कलांश होगा उस तीसरे कलांश के बीस मिनट में हमें रेमेडियल शिक्षण करना है जबकि पिछली साल की योजना में केवल छठे दिन बीस मिनट के लिए ही रेमेडियल की व्यवस्था थी तो एक मुख्य अंतर साथियों ये भी देखने में है इसके बाद साथियों तीनों कलांशों में पिछले साल आप देखेंगे तीनों कलांशों में कार्य करने की रणनीतियों को विस्तार पूर्वक तथा चरणबद्ध तरीके से संदर्शिकाओं में साथियों नहीं दिया गया था जैसे कि साथियों पहला कलांश है तो पहले कलांश में जो भी गतिविधि आपको करनी है तो उस गतिविधि को पूरा विस्तार से उसमें नहीं दे रखा था ठीक है संदर्शिका में नहीं दे रखा था सपोज करिएगा हमें काम करना था अनुभव पर काम करना था चित्र चार्ट पर काम करना था या हमें कविता पोस्टर पर काम करना था या कहानी पर काम करना था या पाठ्यपुस्तक पर काम करना था तो वो किस तरह से काम करते ये साथियों नहीं दिया गया था अर्थात तीनों कलांशों में कार्य करने की पूरी रणनीति विस्तारपूर्वक नहीं दे रखी थी संदर्शिकाओं में जबकि इस बार की संदर्शिकाएं आप देखिएगा तीनों कलांशों की जो रणनीति है वो विस्तारपूर्वक बाद में दे रखी है कि किस तरह से कविता पोस्टर पर काम करना किस तरह से चित्रचार्ट पर काम करना ये सभी चीज़ें साथियों इस बार दे रखी हैं और बहुत अच्छे से दे रखी हैं एक स्थान पर दे रखी हैं ठीक है साथियों तो ये ये अंतर इस बार साथियों किया गया है इसके साथ ही पिछले साल के आपने कलांश देखे साथियों पहला कलांश चालीस मिनट का दूसरा साठ मिनट का और तीसरा बीस मिनट का कलांश रखा गया था जबकि इस बार तीनों कलांश भाषा के चालीस 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 मिनट के साथियों रखे गए हैं साथियों एक अंतर और देखने को मिलेगा कि पिछले साल जो सभी कक्षाओं की संदर्शिकाएँ थी उनमें वार्षिक ट्रैकर शुरू में दिया गया था और ध्यान से देखेंगे कि वो जो वार्षिक ट्रैकर था पिछले साल वो सप्ताह एक से लेकर के बाईस तक था लेकिन इस बार ऐसा नहीं है इस बार कक्षा दो और तीन में जो वार्षिक ट्रैकर है साथियों वो सप्ताह एक से लेकर के पच्चीस तक है लेकिन कक्षा एक में वार्षिक ट्रैकर एक से लेकर के पच्चीस तक नहीं है कितना है नौ से पच्चीस तक है नौ से पच्चीस तक इसलिए है साथियों क्योंकि संदर्शिका ही नौ से पच्चीस के लिए कक्षा एक में बनी हुई है इससे पहली संदर्शिका नहीं है वो तो साथियों विद्या प्रवेश मॉड्यूल पर काम करना है। ठीक है तो सप्ताह कक्षा एक का जो वार्षिक ट्रैकर है वो सप्ताह नौ से आगे के लिए प्रारंभ होता और भी साथियों चेंज किया हुआ जैसे कि वार्षिक शिक्षण योजना में पिछले साल की जो वार्षिक शिक्षण योजना थी उसमें सप्ताह नौ और अट्ठारह का नाम था शाव्धिक आकलन हम शाब्दिक आकलन के नाम से जानते थे और संदर्शिका में शाव्दिक आकलन ट्रैकर अंत में दिया गया था लेकिन साथियों इस बार आप जानते हैं कि चूंकि सप्ताह तेरह और इक्कीस में शाब्दिक आकलन नेट के रूप में होगा जब नेट के रूप में होगा तो शाब्दिक आकलन ट्रैकर की कोई आवश्यकता बची नहीं तो ऐसी स्थिति में इस बार संदर्शिका में आप देखेंगे अंत में शाब्दिक आकलन ट्रैकर नहीं दिया गया है तथा वार्षिक शिक्षण योजना जो शुरू में आप देखते हैं पूरे वर्ष की उसमें सप्ताह तेरह और सप्ताह इक्कीस का जो नाम है वो भी शाब्दिक आकलन ना होकर के उसका नाम रखा है शाब्दिक पुनरावृत्ति तो साथियों ये भी देखिएगा अंतर हुआ है कि शाब्दिक आकलन ट्रैकर पिछली बार था और इस बार साथियों शाब्दिक आकलन ट्रैकर नहीं है इसके साथ ही साथियों एक और अंतर देखने को मिलेगा कि कक्षा एक पिछले साल कक्षा एक की जो संदर्शिका थी उसमें कहानी अभ्यास और ग्रिड ये तीनों चीज़ें साथियों नहीं दी गई थी जो कक्षा दो और तीन की संदर्शिका थी उसमें अंत में कहानियाँ और कविताएं नहीं दी गई थी जबकि इस बार की जो संदर्शिकाएं बनाई गई हैं उनमें साथियों कक्षा एक में कहानी दी गई है अंत में पठन अभ्यास दिया गया है और साथ ही ग्रिड दिए गए हैं जिनकी सहायता से आप शब्दों का निर्माण करा पाएं बच्चों को और साथ ही जो कक्षा दो और तीन की संदर्शिकाएं हैं साथियों उनमें कहानियां और कविताएं दी गई हैं इसी प्रकार से साथियों और क्या अंतर है एक देखेंगे साप्ताहिक आकलन ट्रैकर को देखिएगा पिछले साल का जो साथियों साप्ताहिक आकलन ट्रैकर था उसमें दो दक्षताओं पर आकलन करना था एक तो मौखिक भाषा विकास और दूसरा साथियों डिकोडिंग पर आकलन करना था और एक टिप्पणी का भी अंकन आपको करना होता था लेकिन इस बार क्या संशोधन कर दिया इस बार साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में साथियों ये संशोधन किया कि तीन दक्षताओं पर बच्चे का आकलन हुआ है तीन दक्षताएं एक तो मौखिक भाषा विकास का कॉलम दे रखा है उस पर आकलन किया है एक डिकोडिंग पर का कॉलम दिया हुआ और तीसरा कॉलम साथियों पठन की से संबंधित दक्षता का आकलन करने के लिए दिया गया लेकिन इस बार साथियों टिप्पणी का अंकन करने हेतु तो स्थान नहीं दिया गया अर्थात टिप्पणी का अंकन इस बार नहीं करना है तो साथियों एक संशोधन ये हुआ इसके साथ ही पिछले साल की कार्य योजना थी उसमें पहले कक्षा तीन में क्या था बिग बुक कविता पोस्टर का भी प्रयोग होता था बिग बुक का भी प्रयोग करते थे आप पिछले साल और आपने देखा होगा कहानी पोस्टर का भी प्रयोग हुआ चित्र चार्ट का भी प्रयोग कक्षा तीन में आप कर रहे थे क्यों कर रहे थे क्योंकि पिछले साल अधिगम क्षति को दूर करने के आधार पर शिक्षण योजनाएं बनाई गई थी लेकिन इस बार देखेंगे आपकी जो कक्षा तीन की जो संदर्शिका है जो योजनाएं हैं उनमें आप देखेंगे कि भाई ये जो बिग बुक है कविता पोस्टर कहानी पोस्टर चित्र चार्ट इनका प्रयोग नहीं किया गया कक्षा तीन में प्रयोग किया गया केवल चित्र कहानी पोस्टर को रखा गया है ठीक है साथियों अभी पिछले साल आपने देखा था कक्षा दो में भी बिग बुक का प्रयोग था लेकिन इस बार कक्षा दो में बिग बुक का प्रयोग नहीं किया है किसी भी शिक्षण योजना में बिग बुक कक्षा दो में नहीं है तो साथियों ये भी देखिएगा अंतर आया है और वो अंतर आने का कारण यही है क्योंकि इस बार कक्षा स्तर के अनुसार शिक्षण योजनाएं साथियों बनाई गई हैं तो साथियों ये थे कुछ महत्वपूर्ण अंतर जो पिछले साल की 22 सप्ताह की कार्य योजना थी और इस वर्ष की जो 25 सप्ताह की कार्य योजना है हो सकता हो ये प्रयास आपको साथियों अच्छा लगे साथियों इस प्रशिक्षण कक्ष में जो भी शिक्षक साथी बैठे हुए हैं हमने देखिए आपके छः ग्रुप बनाए हैं जो पहला और छठा हमारा समूह बना है वे दोनों के दोनों समूह इसी पर प्रस्तुतिकरण अपना तैयार करेंगे कि अकादमिक वर्ष 2022-23 और जो वर्तमान अकादमिक वर्ष है तेईस चौबीस उनमें क्या प्रमुख कार्य योजना में अंतर है और क्या प्रमुख समानताएं हैं तो आप सभी इस पर अपनी तैयारी करिएगा अब हम चलते हैं जो हमारा दूसरा और पांचवा जो समूह है उसको साथियों क्या करना उस पर हम बात करते हैं हमारा जो दूसरा और पांचवा समूह है वे प्रस्तुतिकरण करेंगे कि इस वर्ष की शिक्षक संदर्शिकाओं में दी गई टीचिंग प्लान अर्थात शिक्षण योजनाओं की संरचना कैसी है और इसके साथ ही वे प्रस्तुतिकरण करेंगे कि पूरे वर्ष की जो वार्षिक शिक्षण योजना है वो क्या है और उसके उद्देश्य क्या है तो साथियों अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वर्ष की शिक्षण योजना की संरचना कैसी है साथियों मेरे द्वारा एक दिन के तीनों कलांशों में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण योजनाएँ आपके समक्ष ये पहले कालांश में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण योजना है ये दूसरे कालांश में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण योजना है और साथियों ये तीसरे कालांश में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण योजना है तो साथियों यहाँ पर समझते हैं शिक्षण योजना की संरचना को साथियों देखिए सबसे पहले जो ये येलो कलर की पट्टी है इसमें आप स्पष्ट इस रूप से तीन चीज़ें आपको देखने को, को लिए मिलेंगी इसमें कि कौन से कालांश पर आपको कार्य करना है जैसे कि कालांश एक पर कार्य करना है वह कालांश का समय कितना होगा चालीस मिनट और यहीं पर आपको पता चलेगा कि आपको किस पर कार्य करना है जैसे कि पाठ्यपुस्तक पर कार्य करना है या कार्य पुस्तिका के भाग एक पर कार्य करना है या कार्य पुस्तिका के भाग दो पर कार्य करना है जैसे कि यहाँ पर देखिए पहले कलांश में आपको पाठ्यपुस्तक पंखुड़ी पर कार्य करना है कक्षा तीन में अब देखिएगा यहाँ पर देखिए कार्यपुस्तिका के भाग एक पर कार्य करना है दूसरे कालांश में तीसरे कालांश में आपको कार्यपुस्तिका के भाग दो पर कार्य करना है तो साथियों प्रत्येक शिक्षण योजना में यहाँ स्पष्ट रूप से उसके शिक्षण उद्देश्य को लिखा गया है जैसे कि साथियों इसमें पाठ्यपुस्तक के पाठ को पढ़कर सुनाना एवं चर्चा करना इसी तरह से साथियों विषय वस्तु एवं उपयोग में ली जाने वाली सामग्री के बारे में भी साथियों स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे कि जो विषय वस्तु है संदर्शिका के कौन से पृष्ठ पर मिलेगी जैसे कि 158 पर मिलेगी और कौन सा पाठ होगा वो साहसी सीमा इसी के साथ साथियों यहाँ पर कोई भी शिक्षण योजना हो उसके तीन से पाँच खंड होंगे और उनके लिए लगभग कितना समय दिया जाना चाहिए उसका भी साथियों यहाँ पर उल्लेख किया गया है जिससे साथियों शिक्षक साथियों को किसी भी गतिविधि के दौरान समय नियोजन में मदद मिलेगी साथियों शिक्षण योजना में शिक्षक संदर्शिका के कुछ प्रश्नों का भी उल्लेख किया गया है इन प्रश्नों पर उस गतिविधि से संबंधित पूरी की पूरी प्रक्रिया संदर्शिका के इन प्रश्नों पर आपको मिल जाएगी पूरी डिटेल साथियों इन शिक्षण योजना में यहाँ नहीं दी गई है केवल जो संदर्शिका है उसका प्रश्न नंबर यहाँ पर अंकित है आप उस प्रश्न नंबर पर जाइएगा और उस गतिविधि से संबंधित सारी की सारी डिटेल सारे के सारे चरण आपको संदर्शिका में वहाँ पर मिल जाएंगे ठीक है साथियों इसी प्रकार से संदर्शिका के साथ साथ अगर पाठ्यपुस्तक है या कार्यपुस्तिका है तो उससे संबंधित प्रश्न की संख्या भी साथियों शिक्षण योजना में दी गई है इसके बाद साथियों प्रत्येक दिन की शिक्षण योजना के अंत में शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा के लिए कुछ बिंदु दिए गए हैं जो शिक्षकों को प्रतिदिन अपनी शिक्षण योजना एवं कक्षा के बच्चों के बारे में चिंतन करने में भी मदद एवं साथियों प्रेरित करेगा तो साथियों इस प्रकार से यह थी एक दिन की शिक्षण योजना की संरचना और जितने भी बिंदु साथियों मेरे द्वारा बताए गए हैं वे सभी यहाँ पर अंकन है आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं अब साथियों बात करेंगे भाषा की वार्षिक शिक्षण योजना तथा उसके उद्देश्यों के बारे में साथियों यह कक्षा एक की वार्षिक शिक्षण योजना है इस वार्षिक शिक्षण योजना में जितने भी शिक्षण उद्देश्य दिए गए हैं वे सारे के सारे निपुण सूची से सं्येखित हैं अर्थात निपुण सूची से मैप्ड हैं साथियों पूरे वर्ष के शिक्षण उद्देश्यों को सप्ताह के शिक्षण उद्देश्यों में यहाँ बांटा गया है साथियों यहाँ वार्षिक योजना में तीन कॉलम प्रदर्शित हैं पहले कॉलम सप्ताह का है दूसरा वार्षिक शिक्षण उद्देश्यों का है और तीसरा कॉलम पृष्ठ संख्या का है साथ ही पृष्ठ संख्या वाले कोलम में तीन आइकन आपको दिखेंगे पहला आइकन शिक्षक संदर्शिका में दी गई शिक्षण योजना को प्रदर्शित कर रहा है और दूसरा आइकन कार्य पुस्तिका से संबंधित है तीसरा आइकन पाठ्य पुस्तक से संबंधित है साथियों यहाँ वार्षिक योजना में स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि कौन से सप्ताह में कौन से शिक्षण उद्देश्यों पर कार्य किया जाना है और उन शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित शिक्षण योजना शिक्षक संदर्शिका के कौन तो से पृष्ठ पर मिलेगी और कार्यपुस्तिका तथा पाठ्यपुस्तक के कौन कौन से पृष्ठ से वे शिक्षण उद्देश्य साथियों संबंधित हैं यहाँ कक्षा एक की वार्षिक योजना में सप्ताह नौ से सप्ताह पच्चीस तक के शिक्षण उद्देश्य दिए गए हैं इससे पहले के शिक्षण उद्देश्य अर्थात सप्ताह एक से आठ तक के शिक्षण उद्देश्य विद्या प्रवेश मॉड्यूल अर्थात स्कूल एडिनेस कैलेंडर में दिए गए हैं जिनके अनुसार साथियों कार्य करना था यहाँ सप्ताह नौ से बारह में स्कूल एडिनेस पर ही कार्य करना है यहाँ पर ध्यान दें कि सप्ताह नौ से बारह तक के शिक्षण उद्देश्य पर कार्य करने के लिए पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता साथियों नहीं है इसी कारण पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ संख्या यहाँ पर अंकन नहीं किया गया साथियों साथियों बारह सप्ताह के शिक्षण उद्देश्यों पर कार्य करने के पश्चात तेहरवे सप्ताह में शाब्दिक पुनरावृत्ति करनी है अर्थात इस तेहरवे सप्ताह में सप्ताह नौ से बारह तक की दक्षताओं की पुनरावृत्ति करनी है इसके साथ ही इस सप्ताह में शाब्दिक आंकलन नेट परीक्षा के रूप में प्रस्तावित था जो साथियों हो चुका है इसी प्रकार साथियों चौदह से लेकर के बीस सप्ताह तक के शिक्षण उद्देश्यों पर कार्य करेंगे और उसके पश्चात इक्कीसवें सप्ताह में फिर नेट परीक्षा संभावित है जिसके माध्यम से शाब्दिक आकलन किया जाना है और इसी इक्कीसवें सप्ताह में हमें शाब्दिक पुनःवत्ति करनी है जिसमें हम सप्ताह नौ से लेकर के सप्ताह बीस तक की दक्षताओं की पुनरावृत्ति करेंगे और इसके पश्चात साथियों बाईस से लेकर के पच्चीस सप्ताह के शिक्षण उद्देश्यों पर हमें कार्य करना है इस प्रकार साथियों और वे संदर्शिका के कार्य पुस्तिका के और पाठ्य के कौन से प्रश्न से संबंधित हैं साथियों इसी प्रकार से कक्षा दो की वार्षिक शिक्षण योजना को भी देख लेते हैं इस वार्षिक योजना में भी सभी शिक्षण उद्देश्य निपुण सूची से साथियों मैब्ड है इसमें पूरे वर्ष के शिक्षण उद्देश्यों को एक सप्ताह से लेकर के पच्चीस सप्ताह में विभाजित किया गया है शुरू के सप्ताह एक से सात में कक्षा एक की दक्षताओं की साथियों पुनरावृत्ति करनी है ध्यान दें कि सप्ताह एक से चार में कार्य पुस्तिका और पाठ्यपुस्तक पर साथियों कार्य नहीं किया जाना है इसी कारण पृष्ठ संख्या वाले कोलम में यहाँ पर पृष्ठ इनके सम्मुख अंकित नहीं है साथियों इस वार्षिक योजना में भी सप्ताह तेरह और सप्ताह इक्कीस में शाव्दिक पुनरावृत्ति का कार्य करना है सप्ताह तेरह में सप्ताह एक से बारह तक की दक्षताओं पर आधारित पुनरावृत्ति करनी है जो कि शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठ संख्या तिरासी से संबंधित रहेगी वहाँ से आप देख लें और सप्ताह इक्कीस में शाव्दिक पुनरावृत्ति का कार्य करने हेतु सप्ताह एक से बीस तक की दक्षताओं पर आधारित पुनरावृत्ति करनी है उसके लिए साथियों आप शिक्षक संदर्शिका के पे संख्या एक के अनुसार साथियों कार्य करेंगे साथियों इसी प्रकार से हम कक्षा तीन की वार्षिक शिक्षण योजना को भी देख लेते हैं इस वार्षिक योजना में भी सभी शिक्षण उद्देश्य निपुण सूची से साथियों मैप्ड हैं इसमें भी पूरे वर्ष के शिक्षण उद्देश्यों को सप्ताह एक से पच्चीस सप्ताह के बीच में विभाजित किया गया है शुरू के सप्ताह एक से सात में कक्षा दो की दक्षताओं की पुनरावृत्ति साथियों करनी है जैसा कि सप्ताह एक से सात में कक्षा दो में भी कक्षा एक की पुनरावृत्ति करने का कार्य हमने किया था साथियों ध्यान दें कि सप्ताह एक से चार में पाठ्यपुस्तक पर कार्य नहीं किया जाना है इसी कारण यहां पर पृष्ठ संख्या वाले कॉलम में साथियों के सम्मुख अंकित नहीं है इस वार्षिक योजना में भी साथियों सप्ताह तेरह और सप्ताह इक्कीस में शाब्दिक पुनरावृत्ति का कार्य करना है सप्ताह तेरह में सप्ताह एक से बारह तक की दक्षताओं पर आधारित पुनरावृत्ति करनी है जो कि शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठ संख्या तिरासी तथा कार्यपुस्तिका के पृष्ठ संख्या छिहत्तर से अस्सी से संबंधित रहेगी वहां से आप देख ले साथियों किस प्रकार से कार्य होगा सप्ताह इक्कीस में शाब्दिक पुनरावृत्ति करने का कार्य हेतु सप्ताह एक से बीस तक की दक्षताओं पर आधारित पुनरावृत्ति हमें करनी है और इसके लिए आप शिक्षक संदर्शिका के पेय संख्या 126 तथा कार्यपुस्तिका के पेय संख्या 129 से 133 के अनुसार साथियों कार्य करेंगे यहाँ देखिए अंतर भी है कि कक्षा दो में शाब्दिक पुनरावृत्ति करने के लिए साथियों केवल शिक्षक संदर्शिका में जो पेय संख्या दिया था उसका प्रयोग करना था और कार्य पुस्तिकाओं का प्रयोग नहीं करना था जबकि कक्षा तीन में शाब्दिक पुनरावृत्ति पर कार्य करने के लिए जो संदर्शिकाओं के साथ साथ कार्य पुस्तिका में जो प्रश्न संख्या दी है उन पर भी कार्य करना है इसके बाद साथियों हम कह सकते कि इस प्रकार वार्षिक शिक्षण योजना से हमें जानकारी हो जाती कि कौन से सप्ताह में कौन से शिक्षण उद्देश्यों पर कार्य करना है और वे शिक्षण उद्देश्य शिक्षक संदर्शिका के या कार्यपुस्तिका के या पाठ्यपुस्तक के कौन से प्रश्न से संबंधित है तो साथियों इस प्रशिक्षण कक्ष में उपस्थित हमारा जो दूसरा और पांचवा समूह हमने बनाया था वो साथियों इस वार्षिक शिक्षण योजना पर अपना प्रस्तुतिकरण करने का कार्य करेगा साथियों अब इस प्रशिक्षण कक्ष में हमारा जो तीसरा और चौथा समूह है वह प्रस्तुतिकरण करेगा साप्ताहिक शिक्षण चक्र पर साथियों साप्ताहिक शिक्षण चक्र के माध्यम से आपको यह पता चलता है कि पूरे अकादमिक वर्ष में किसी भी सप्ताह के छः कार्य दिवसों में कक्षा कक्ष में किस तरह की कार्य योजना से साथियों हमें काम करना है इसके साथ साथ हमें यह भी जानकारी मिल जाती है कि तीनों कलांशों में किस प्रकार से कार्य होगा साथियों प्रत्येक शिक्षक साथी के लिए भाषा तथा गणित के साप्ताहिक शिक्षण चक्र को समझना जानना और साथियों इसे याद रखना और उसी के अनुसार काम करना बड़ा जरूरी है तभी साथियों हम एक अच्छी प्लानिंग के साथ सभी शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करते हुए नई दक्षताओं को सिखाने का कार्य पुनर्वत्ति का कार्य का आकलन करने का कार्य रेमेडियल कार्य सही रूप से साथियों हम कर पाएंगे साथियों कक्षा दो और तीन दोनों का साप्ताहिक शिक्षण चक्र एक जैसा है जबकि कक्षा एक का साप्ताहिक शिक्षण चक्र थोड़ा साथियों अलग है सबसे पहले हम कक्षा एक के साप्ताहिक शिक्षण चक्र पर समझ बनाने का साथियों प्रयास करते हैं साथियों यह कक्षा एक का साप्ताहिक शिक्षण चक्र है इसमें जो नीला रंग है वो सप्ताह के शुरू के चार दिनों को प्रदर्शित कर रहा है और जो इसमें हरा रंग है वह पाँचवें दिन को प्रदर्शित कर रहा है और जिस जो इसमें रेड कलर है वो सप्ताह के छठे दिन को प्रदर्शित कर रहा है साथियों यहाँ सप्ताह के शुरू के चार दिनों में नई दक्षताओं को सिखाने का कार्य किया जाएगा उसके पश्चात जो पाँचवा दिन है उसमें पुनर्वृत्ति संबंधी कार्य होगा अर्थात जो चारों दिनों में नई दक्षताएँ सिखाई हैं उनसे संबंधित पुनर्वृत्ति का कार्य होगा जो पाँचवा दिन है वो आकलन के लिए साथियों रखा गया है साथियों यहाँ पर देखिए तीन सर्किल आपको प्रदर्शित हो रहे हैं जो तीन सर्किल हैं ये तीन के तीन कालांशों को प्रदर्शित कर रहे हैं साथियों जो पहला सर्किल है वो पहले कालांश को प्रदर्शित कर रहा दूसरा सर्किल दूसरे कालांश को और तीसरा सर्किल तीसरे कालांश को व्यक्त कर रहा है साथियों यहाँ शुरू के चार दिन में जो पहला कालांश है उसमें साथियों मौखिक भाषा विकास से संबंधित हम कार्य करेंगे और इसमें सहायक शिक्षण सामग्री और पाठ्यपुस्तक का सहयोग हम प्राप्त करेंगे इसके बाद साथियों जो शुरू के चार दिनों में जो दूसरा कालांश होगा उसमें कार्य पुस्तिका की सहायता से डिकोडिंग संबंधी कौशलों पर बच्चों के कार्य किया जाएगा और जो शुरू के चार दिनों में जो तीसरा कालांश है वो पठन से संबंधित रहेगा उसमें बिग बुक से पठन और जो पठन अभ्यास है ये जो पठन अभ्यास है साथियों ये कक्षा एक की संदर्शिका में पीछे पठन अभ्यास दिया गया है उससे कार्य करेंगे और साथ ही जो तीसरा कालांश ये है इसकी अंतिम बीस मिनट में हम रेमेडियल कार्य करेंगे अर्थात जो भी बच्चे दक्षताओं को नहीं सीख पाए हैं कमजोरी रही है तो उनकी उपचारात्मक शिक्षा करने का कार्य हम अंतिम बीस मिनट में करेंगे कालांश तीन में इसके पश्चात साथियों जो हमारा पाँचवा दिन है पाँचवा दिन भी पहला जो कालांश है उसमें भी हम मौखिक भाषा विकास से संबंधित गतिविधियों पर कार्य करेंगे और जो दूसरा कालांश होगा उसमें हम साप्ताहिक पुनरावृत्ति करेंगे अर्थात साथियों शुरू के जो चार दिन में जितनी भी दक्षताएं सिखाई हैं उनसे संबंधित पुनरावृत्ति का कार्य हम पाँचवें दिन के दूसरे कालांश में करेंगे जो तीसरा कालांश होगा पाँचवें दिन का उसमें स्वतंत्र पठन से संबंधित कार्य होगा और जो अंतिम बीस मिनट होंगी उसमें हम रेमेडियल से संबंधित कार्य करेंगे साथियों छठे दिन पहले कालांश में मौखिक भाषा विकास की गतिविधियाँ कराई जाएंगी और उसके जो दूसरा और तीसरा कालांश होगा उसमें बच्चों का साप्ताहिक आंकलन करने का कार्य किया जाएगा और जो तीसरा कालांश की जो अंतिम बीस मिनट होंगी उनमें साथियों कार्य किया जाएगा तो साथियों यहां पर दो चीजें कॉमन है क्या चीज कॉमन है कि कक्षा एक में जो पहला कालांश होगा साथियों उस पहले कालांश में छह के छह दिन में मौखिक भाषा विकास पर कार्य करना है और जो तीसरा कालांश है उस तीसरे कालांश की जो अंतिम बीस मिनट है उन सभी में पूरे के पूरे छः दिन साथियों उन अंतिम बीस मिनट में रेमेडियल कार्य करना है बच्चे की उपचारात्मक शिक्षा पर कार्य हमें करना है तो ये चीज़ साथियों यहाँ पर कॉमन है यहाँ पर एक बात ध्यान रखें साथियों कि छठे दिन जो दूसरे और तीसरे कालांश में आप बच्चे का आकलन करेंगे वो मैंने सीख लिया प्रपत्र से करेंगे और ये जो मैंने सीख लिया परपत्र है ये बच्चे की जो कार्य पुस्तिका है उसमें साथियों दिया गया है साथियों अब बात करते हैं कक्षा दो और तीन के साप्ताहिक शिक्षण चक्र के बारे में साथियों इसमें भी शुरू के जो चार दिन हैं उनमें नई दक्षताओं पर कार्य किया जाना है पाँचवें दिन पुनावत्ती का कार्य होना है और छठे दिन आकलन संबंधी कार्य किया जाना है साथियों इसमें भी जो पहला कलांश है शुरू के चार दिनों का जो पहला कलांश है उसमें मौखिक भाषा विकास संबंधी कार्य किया जाएगा जिसमें पाठ्यपुस्तक की सहायता ली जाएगी साथियों जो दूसरा कलांश होगा जो शुरू के चार दिन हैं उनमें जो दूसरा कलांश होगा उसमें कार्यपुस्तिक का भाग एक पर कार्य करना है और जो तीसरा कलांश होगा उसमें कार्यपुस्तिका भाग दो पर कार्य करना है और अंतिम जो बीस मट हैं उनमें रेमेडियल कार्य किया जाएगा इसके बाद साथियों जो पाँचवें दिन पुनरावृत्ति का है उसके पहले कलांश में साथियों मौखिक भाषा विकास पर कार्य करना है जो दूसरा कलांश होगा उसमें साप्ताहिक पुनरावृत्ति की जाएगी अर्थात शुरू के जो चार दिन में दक्षताएँ सिखाई गई हैं उनसे संबंधित पुनरावृत्ति करने का कार्य हम दूसरे कलांश में करेंगे पाँचवें दिन जो साथियों तीसरा कलांश है पाँचवें दिन उसमें स्वतंत्र पठन होगा और साथ ही अंतिम जो बीस मिनट होंगी उसमें रेमेडियल संबंधी कार्य किया जाएगा जो साथियों छठा दिन होगा छठे दिन पहले कालांश में पाठ्यपुस्तक के थीम पर आधारित अनुभव पर चर्चा की जाएगी और साथियों यो शिक्षण योजना संदर्शिका में दी गई है उसे देख करके आप पहले कालांश में थीम पर आधारित अनुभव पर चर्चा करा देंगे इसके बाद साथियों जो दूसरा और तीसरा कालांश है छठे दिन उसमें साथियों साप्ताहिक आकलन करने का कार्य किया जाएगा ठीक है साथियों और इसके बाद जो तीसरा कालांश है उसमें अंतिम बीस मिनट में हमें रेमेडियल कार्य भी करना है तो साथियों एक चीज़ कॉमन हुई क्या कि चाहे कक्षा एक हो चाहे कक्षा दो चाहे कक्षा तीन तीनों के ही साप्ताहिक शिक्षण चक्र में जो तीसरा कालांश है उसके अंतिम बीस मिनट में हमें रेमेडियल पर कार्य करना है ये हुई और साथियों जो पहला कालांश है वो मौखिक भाषा विकास से संबंधित है साथियों साप्ताहिक शिक्षण चक्र के माध्यम से हमें यह जानकारी हो जाती है कि किस दिन और कौन से कालांश में क्या कार्य करना है लेकिन साप्ताहिक शिक्षण चक्र के माध्यम से यह जानकारी साथियों हमें नहीं हो पाती है कि बिग बुक का पठन छः दिन में से कितने दिन किया जाएगा पठन अभ्यास कौन कौन से दिन किया जाएगा स्वतंत्र पठन कौन कौन से दिन करना है खेल गतिविधियाँ कब करनी है मौखिक कहानी कौन से दिन सुनानी है सामाजिक और भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ किस दिन हमें करनी है चित्र चार्ट पर चर्चा साथियों कौन कौन से दिन होगी कहानी पोस्टर पर साथियों किस दिन हम कार्य करेंगे और अनुभव पर चर्चा हम कौन कौन से दिन करेंगे तो साथियों यह सारी की सारी जानकारी हमें मिलती है साप्ताहिक एवं दैनिक योजना की रूपरेखा से जिसे हमें जानना साथियों ज़रूरी है साथियों वैसे तो इस प्रशिक्षण में आप शुरू के दो दिन में तीनों कलांश की रणनीतियों पर विस्तार से आप बात करेंगे विस्तार से आप चर्चा करेंगे विस्तार से आप समझेंगे लेकिन साथियों फिर भी मैंने आपके लिए एक साथ तीनों कलांशों की दैनिक योजना की रूपरेखा को यहाँ पर प्रस्तुत किया है एक बार आप उन पर अपनी समझ बना सकते हैं साथियों अब बात करेंगे ऐसे बिंदुओं पर जिन्हें समझने से भाषा शिक्षण की स्ट्रैटेजी पर आपकी समझ और भी पक्की हो जाएगी मुझे ऐसा लगा साथियों कि आप सभी को इन बिंदुओं को इसी सत्र में जानना जरूरी है इसी कारण साथियों मेरे द्वारा ये बिंदु इस सत्र में जोड़ दिए गए हैं सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे कालांशों की रूपरेखा की साथियों कालांशों की रूपरेखा के माध्यम से आप जान सकते हैं कि पहले कालांश में दूसरे कालांश में और तीसरे कालांश में कौन कौन सी गतिविधियाँ की जाएंगी और उन गतिविधियों को करने के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होगी जैसे कि साथियों यहाँ कक्षा एक के कालांशों की रूपरेखा दी गई है इसमें आप देखेंगे साथियों पहले कालांश में कौन कौन सी आपको गतिविधियाँ आयोजित करनी है जैसे कि साथियों पूरे सत्र में आपको पहले कालांश में कविता बाल गीत छोटी कहानियाँ खेल गतिविधि इस पर काम करना है पाठ्यपुस्तकों पर कार्य करना है चित्र चार्ट पर कार्य करना अनुभव पर कार्य करना है और सामाजिक एवं भावनात्मक विकास से संबंधित गतिविधियां कक्षा में करानी है खेल गतिविधियां रोल प्ले अभिनय पर काम करना है मौखिक कहानी सुनाना है कविता और कहानी पोस्टर पर कार्य करना है तो ये सारी गतिविधियां साथियों कक्षा एक में और कालांश एक में आपको आयोजित करनी है और इन सारी गतिविधियों को कराने के लिए पूरे सत्र में आपको जो शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होगी वो है पाठ्यपुस्तक पल्लव और इसके साथ चित्रचार्ट इसके साथ ही कविता पोस्टर और कहानी पोस्टर की आवश्यकता पड़ेगी और शिक्षक संदर्शिका की आवश्यकता होगी इसी प्रकार से साथियों दूसरा कालांश है उसमें देखिएगा कौन कौन सी गतिविधियाँ आपको आयोजित करनी है और उन्हें आयोजित करने के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होगी इसी प्रकार से साथियों तीसरे कालांश में कौन सी गतिविधियाँ आयोजित करेंगे पूरे सत्र में और कौन सी शिक्षण सामग्री पूरे सत्र में आवश्यक होगी तो साथियों देखिए कालांशों की रूपरेखा को जानने से हमें ये जानकारी हो जाती है कि कौन से कालांश में कौन सी गतिविधियाँ आयोजित होंगी और उन गतिविधियों के लिए कौन सी सामग्री की पूरे सत्र में हमें जरूरत होने वाली है लेकिन साथियों यहां पर गतिविधियों की तो हमें जानकारी हो जाती है लेकिन इन गतिविधियों को हम कौन से दिन कराएंगे इस चीज की जानकारी कालांशों की रूपरेखा से नहीं हो पाती है तो इसे जानने के लिए इसे समझने के लिए साथियों मैंने यहां पर एक साथ ऐड कर दिया है दैनिक योजना को उस दैनिक योजना के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि यह गतिविधियां कौन से दिन करानी है तो साथियों ये जो कालांशों की रूपरेखा थी ये है कक्षा एक की इसी प्रकार से साथियों देखिए कक्षा दो की कालांशों की रूपरेखा है उसे भी आप एक बार देख लें समझ लें इसी प्रकार से कक्षा तीन के कालांशों की रूपरेखा है इसे भी आप साथियों एक बार देख लें और समझ लें साथियों कौन से कालांश में कौन सी गतिविधि कौन से सप्ताह में आयोजित करनी है और कौन से सप्ताह के कौन से दिन आयोजित करनी है इस चीज़ की जानकारी आपको हो जाती है साप्ताहिक एवं दैनिक योजना की रूपरेखा से यहाँ पर साथियों कक्षा एक की दैनिक योजना की रूपरेखा आपके समक्ष है इसमें आप देख पाएंगे साथियों जैसे चित्र चार्ट पर चर्चा करनी है तो वो सप्ताह नौ से चौदह के दौरान करनी है और दूसरे और तीसरे दिन करनी है इसी प्रकार से साथियों नीचे आप देखेंगे जो कालांश तीसरा है उसमें बिग बुक पर कार्य करना है तो वो शुरू के चार दिन कार्य करना है पठन अभ्यास पर कार्य करना है तो वो शुरू के चार दिन करना है और ये भी ध्यान देने की बात है जो बिग बुक पर काम होना है वो नौ से चौदह सप्ताह के दौरान होना है और जो पठन अभ्यास है वो पंद्रह से पच्चीस के दौरान होना है तो इस प्रकार से विभिन्न जो भी गतिविधियां हैं और कौन कौन से कलांश में होनी है कैसे होनी है किस दिन होनी है इस चीज़ की जानकारी साथियों आपको यहां से हो जाएगी ये थी कक्षा एक की दैनिक योजना की रूपरेखा इसी प्रकार से आप देखेंगे साथियों ये यहाँ पर कक्षा दो की और कक्षा तीन की दैनिक योजना की रूपरेखा संदर्शिका में दी गई है इसे साथियों आप एक बार देख लें इसका पूरा रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि यहाँ पर देखेंगे ये जितने भी गतिविधियाँ कौन से दिन आयोजित करनी है ऐसा दे रखा है ये सारी की सारी संदर्शिकाओं में इसी के अनुसार साथियों मैप्ड है अर्थात आप देखेंगे इन्हीं दैनिक योजना की रूपरेखा के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं में इन गतिविधियों से संबंधित शिक्षण योजनाएं साथियों दे रखी हैं साथियों यदि वीडियो से आपको लाभ हुआ है और चैनल पर आप नए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी आपका प्रश्न है उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें मैं साथियों प्रयास करूँगा आपके प्रश्न के उत्तर देने का धन्यवाद